जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्ति में जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति को एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। और आज JSSC CGL और उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आ गई है। अगर आप लोग इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ उड़ान पब्लिकेशन बुक का झारखंड का सार संग्रह और वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। अगर आपका JSSC CGL का एग्ज़ाम के साथ साथ और झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। JSSC के लिए तो है ही लेकिन JPSC के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, ठीक है, यानी कि झारखंड के लिए आंदोलन, यानी कि झारखंड राज्य बनना चाहिए उसके लिए यहाँ पर क्या कर रहा है संबंधित व्यक्ति है कि नहीं, झारखंड को राज्य बनाओ इसके लिए आंदोलन किया गया था, ठीक है। एक मिनट, अब देखिए तो यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड अगर आंदोलन कर रहा है झारखंड के लिए और झारखंड हमारा एक राज्य बनना चाहिए, इसमें सबसे पहला नाम किसका है तो जयपाल सिंह है। जयपाल सिंह का कहना हुआ कि नहीं झारखंड एक राज्य बनना चाहिए, तो अब उसने आंदोलन तो किया लेकिन किस टाइप का किया, क्या क्या आंदोलन में प्रॉब्लम हुई, कब कब इसने आंदोलन किया, जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जयपाल सिंह क्या करते थे, सारी बातें का निचोड़ इस वीडियो में है। सबसे पहले आपको हम थ्योरी पार्ट पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे जस्ट जयपाल सिंह का। ये सारा देखिए ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जयपाल सिंह, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा नहीं तो आपका बहुत बेहतरीन क्लास छूट जाएगा। तो देखिए जयपाल सिंह में क्या कहता है, पहला जयपाल सिंह से पॉइंट है कि जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव खूटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, जयपाल है तो सिंह, लिख रहा है सिंह लेकिन आंसर देंगे मुंडा परिवार में हुआ था, ठीक है, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा बोल सकते हैं, जयपाल मुंडा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। दूसरी बात, किस गांव में हुआ था जयपाल, टकरा गांव में, ट्रिक दे देते हैं तो हंसाने वाला कि जयपाल जी टकलाते कहते टकला थे, टकरा गांव में हुआ, ठीक है। और टकरा गांव कहाँ है जी, खूटी जिला में है, कब, 3 जनवरी 1903 को, 3 जनवरी 1903, ठीक। जयपाल सिंह का मूल नाम वेन्नपा था, वेन्नपा था, यही सही है, वेन्नपा था। ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम ईश्वरदास हुआ, ठीक है, वेन्नपा नाम है मूल नाम इसका, जयपाल सिंह का, और इसने ईसाई धर्म अपना लिया और इसका नाम हो गया ईश्वरदास, ठीक। ईसाई धर्म अपनाया तो हो गया ईश्वरदास, ईसाई धर्म अपनाया तो क्या नाम हो गया ईश्वरदास, तथा खूटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। अब देखिए खूटी के पुरोहित द्वारा इसका नामकरण किया गया जयपाल सिंह। तीन बात यहाँ पर याद रखना है, पहला मूल नाम था वेन्नपा, ईसाई धर्म अपनाया तो ईश्वरदास, और उसके बाद आ गया जब पुरोहित ने इसका नामकरण किया तो क्या लिखा जयपाल सिंह। तीन बार, किस परिवार से है, मुंडा परिवार से, कब जन्म हुआ 3 जनवरी 1903 को, किस गांव में, टकरा गांव में, टकरा गांव कहाँ है जी, खूटी में। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम तारा मजुमदार था, ठीक है, तारा मजुमदार, पत्नी का नाम क्या है तारा मजुमदार, कहेगा जयपाल सिंह की पत्नी का नाम क्या है जी, तो तारा मजुमदार है, ठीक है। फिर है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी, समझ रहे हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, ये बंगाली था, ठीक है, और उसकी पुत्री थी तारा मजुमदार, ठीक है, और तारा मजुमदार का शादी किससे किया गया, जयपाल सिंह से। आगे बोला गया है आपका कि जयपाल सिंह की का दूसरा विवाह जहां आरा से हुआ, ठीक है,
अब देखिए जयपाल सिंह ने शादी तो किया है लेकिन दो दो शादी कर लिया। और एक कहाँ पे देखिए जहां आरा से वह जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी, गजब हो गया, कोई झारखंड का आदमी, मुंडा परिवार का आदमी, आदिवासी आदमी। और कहाँ बनर्जी, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी की बेटी तारा मजुमदार से शादी किया, यानी कि क्वालिटी वाला आदमी था, ऐसे तैसे नहीं था, माइंडेड था, ठीक है। और जो माइंडेड होता है ना, या तो उसका जो होने वाला ससुर होता है वो ढूंढ लेता है कि हाँ ये मेरे बेटी के लिए परफेक्ट है, या फिर वो खुद ढूंढ लेता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहां आ रहा दूसरा विवाह, जहां आ रहा से जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी, कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी, जहां आ रहा, ठीक है। जयपाल सिंह की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कोसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया। ना होता है कि कोई क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव है माइंड से, ठीक है, तो इम्प्रेस हो जाता है, पैसा कौड़ी अगर हेडमास्टर के पास था, टीचर के पास था, बोला जाओ तुम इंग्लैंड से पढ़ के आओ, कुछ ऐसा करो, नाम रोशन करो झारखंड का या भारत का, लगना चाहिए कि हाँ किसी ने जन्म लिया है, ठीक है। वो पूरा माइंडेड कुशाग्र बुद्धि का था, कौन, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के कौन हुआ, सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर, कौन है नाम, केनन कोसग्रेव। आई केनन कोसग्रेव ने उनको कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। किसने भेजा, केनन कोस, किस स्कूल का था, सेंट पॉल हाई स्कूल का, कौन था वो हेडमास्टर, कौन था, केनन कोसग्रेव ने। और उसको कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेज दिया। 1928 ईस्वी में के एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ठीक है, में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। नेतृत्व किया यानी कि यह हॉकी टीम का क्या था, कप्तान था, कब, 1928 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पे हुआ, एम्स्टर्डम लंदन में हुआ। और भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी से प्राप्त किया। कहने का मतलब पहला ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक जीता था 1928 में, किसने, जयपाल सिंह ने। बुद्धि था तब ना, कुशाग्र बुद्धि था, लीडरशिप करने आता था, टीम को कैसे रखना वो सब जानता था ये। जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। 1939 में हुआ आदिवासी महासभा, ये भी आदिवासी जनजाति से है ना मुंडा, ठीक है, तो 1939 में इसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले वे पहले नेता थे। पहला नेता जयपाल सिंह हुआ, यही बोला कि ना झारखंड बनाओ, एक राज्य अलग कर दो, झारखंड राज्य कर दो। ये कब बोल रहा है, 1950 में, जब संविधान लागू हुआ उसी समय से जयपाल सिंह ने कहा कि झारखंड को अलग करिए, ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन किया। और पृथक झारखंड की मांग करने वाले वो पहले नेता थे, कुछ ना कहा, पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहला नेता कौन था, जयपाल सिंह, ठीक है। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया, 1950 में। वर्ष 1952 तथा 1957 के आम चुनाव में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। उसमें हम लोग झारखंडी नहीं थे, हम लोग बिहारी थे, ठीक है। 15 नवंबर 2000 से हम लोग झारखंडी हुए। 1950 से मांग रहा है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, यानी कि 50 साल, और फिर इधर 2001-2002, ठीक है, 50, 51, 52, ठीक, इतना साल हम लोग को इंतजार करना पड़ा झारखंड लेने के लिए। उसके बाद 1952-57 में आम चुनाव में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता, तो कब, झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को क्या मिला, भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। बिहार विधानसभा का मुख्य विपक्षी दल कौन रहा, झारखंड पार्टी, ठीक। 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्त स्राव,
ब्रेन हैमरेज से जयपाल सिंह की नई दिल्ली में मृत्यु हो गई। ब्रेन हैमरेज हो गया जयपाल सिंह का। हॉकी खेलता था, गजब का खेलता था ये हॉकी। एक है हॉकी का जादूगर, कौन है? ध्यानचंद। ठीक है, जब वो हॉकी खेलता था ना तो उसका बॉल चिपक ले रहता था उसमें, तो सोचता था कहीं इसमें अंग्रेज सब सोचता था कहीं इसमें चुंबक उंबक तो नहीं है, तो उसका हॉकी स्टिक तोड़वा के दूसरा देता था। ताइयो वो इतना अच्छा से खेलता था, एकदम बॉल छूटता ही नहीं था उसके हॉकी से। तो उसी तरह जयपाल सिंह भी बहुत ही अच्छा हॉकी खिलाड़ी रहे, इसीलिए तो उसने कहा 1928 में ओलंपिक में, ठीक है 1928 में ही ना, 1928 ईस्वी में देखो एम्स्टर्डम डीजे में आज दो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया और पहला स्वर्ण पदक भी दिया, जीत करके दिया। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह को मुंडा राजा का मरांग गोमके की संज्ञा भी दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कहा जाता है कि मरांग गोमके की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, तो किसको दिया? जयपाल सिंह को। मुंडा राजा का मरांग गोमके जयपाल सिंह, ठीक है यहाँ तक था। अब है जुएल लकड़ा, ठीक है तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बताइए जी जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी? टकरा खुट्टी में हुआ था। देखो कैसे बनने लगा, पढ़ेंगे तो बनेगा नहीं। जयपाल सिंह का जन्म किस जनजातीय परिवार में हुआ था? मुंडा जनजातीय परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, कहता है कि जयपाल सिंह किस धर्म को मानते थे? ईसाई धर्म को, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? ईश्वर दास। ठीक है, पहला नाम था वेनन पाहन, था ना वेनन पाहन मूल नाम ईश्वर दास, उसके बाद धार्मिक गुरु ने उसको कहा जयपाल सिंह। अगला, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? वेनन पा। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हुआ? ईश्वर, ईसाई, ईसाई से ई से दीर्घ ई हो गया। ठीक है, आगे बोला है जयपाल सिंह के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे इनके गुरु थे। ठीक है, इनकी चर्चा कहीं किया था कि नहीं? जी नहीं किया है, अनंत पांडे का चर्चा कहीं किताब में नहीं किया था, इसलिए अनंत पांडे हम लोग ना दूसरा पढ़े थे। ठीक है, हम लोग जयपाल सिंह के गुरु कौन थे तो हम लोग थ्योरी पार्ट में तो नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट। जयपाल सिंह के जो गुरु थे ना वो थे जयपाल मिश्र थे, और उसी ने इसको दिया अपना नाम पे दे दिया कि तुम रहो जयपाल सिंह, जयपाल मिश्र ने, ठीक है उसका अपना नाम दे दिया। जयपाल सिंह को सांस्कृतिक गुरु कौन थे? अब देखो शुक्रा पाहन, पाल दयाल, प्रगट उरव, चलकंद सिंह, ये सब ना हम लोग नहीं पढ़े, थ्योरी पार्ट में ये नहीं था, लेकिन सर सांस्कृतिक, सौ से सांस्कृतिक, सौ से शुक्रा पाहन। ठीक है, तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन है? शुक्रा, शुक सांस्कृतिक, सौकार है ना शुक्रा, यही से याद रख लो। कहता जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था? तारा मजुमदार, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है बंगाली, बंगाल का है, कोलकाता का है, और उसने देखा कि बेचारे में टैलेंट है, दिया बोला अपना बेटी शादी से कराएंगे। ठीक है, देखो अगला, कहता है जयपाल सिंह की पहली पत्नी तारा मजुमदार का पिता कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है, जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जहां आरा। जयपाल सिंह की किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने तो इंग्लैंड भेजा था? के लिए किसने भेजा था? केनन कोसग्रेव ने भेजा था। अगला है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 में। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि छूटेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद तो बनना चाहिए। जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था, बताओ किस पार्टी का गठन किया था? झारखंड महासभा, आदिवासी महासभा, आदिवासी पार्टी, जनजातीय पार्टी, झारखंड महासभा, आदिवासी महासभा किया था, झारखंड महासभा का नहीं, आदिवासी महासभा का। ठीक है, जयपाल सिंह ने निम्न से किस पार्टी का गठन किया था? आदिवासी महासभा।
जयपाल सिंह ने किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था, किस वर्ष में किया था ये बताओ, ठीक है? तो आंसर होगा 1950 ईस्वी में, जब संविधान लागू हुआ उसी समय, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य को मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? जयपाल सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता है एग्जाम में और ये आ जाएगा तो आप बना लोगे, ऐसा पढ़ा हुआ है तो। जयपाल सिंह कहाँ से लोकसभा सदस्य चुने गए थे जी? हजारीबाग, देवघर, खूंटी, पलामू। तो ये जो जयपाल सिंह था ना लोकसभा का, ये तो हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन ये चूंकि खूंटी में इसका जन्म हुआ था, टकरा गांव में, तो वहीं से इसने क्या किया, लोकसभा सदस्य चुने गए थे। जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए? 1952, 1957, 1966 या 1950, क्या आंसर करोगे बताओ? तो 1952 ईस्वी में जयपाल सिंह पहली बार कब लोकसभा सदस्य चुने गए थे? 1952 में। अगला है कि जयपाल निम्न में से किस, क्या जयपाल सिंह का उपनाम है? जयपाल सिंह का उपनाम क्या है, मारा मुंडा राजा या मारांग गोमके या उपरोक्त दोनों, क्या आंसर दोगे? तो उपरोक्त दोनों ना, मुंडा राजा भी इसी को बोला जाता है, ठीक है, मुंडा राजा इसी को बोला जाता है, मारांग गोमके भी इसी को बोला जाता है, जयपाल सिंह, उपरोक्त दोनों का। फिर आपका जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुआ था बताओ? 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी, 20 मार्च, और जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1903, 3 जनवरी 1903, 20 मार्च 1970, 3 से 70 कितना साल जिया? 70 में 3 साल घटाओ, 70 में 3 46, 40 पीट देंगे जब, लाइट ऑफ करो तो कितने साल जी आप बताओ जी? तो 20 मार्च 1970 को मृत्यु हुआ, और कब कब? 3 जनवरी 1903, 3 जनवरी 1903 से जन्म हुआ, ठीक है। तो 3 में 70 में 3 घटा देंगे, 67 बेचारा जी आ, ठीक है। अगला, जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था, क्या हुआ, सड़क दुर्घटना, ब्रेन हेमरेज, अवसाद या गंभीर बीमारी? ब्रेन हेमरेज। जयपाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी जी? रांची, खुट्टी, इंग्लैंड या दिल्ली? कहाँ हुआ था? नहीं, रांची में क्या होगा, दिल्ली में हुआ, अस्पताल जहाँ बढ़िया रहेगा वहाँ होगा, ठीक, दिल्ली, बढ़िया अस्पताल कहाँ है? दिल्ली में, ब्रेन हेमरेज हो गया था तो। आगे, इंग्लैंड पढ़ने गया, बोला जल्दी ब्रेन हेमरेज, किसी को कुछ हो जाएगा तो उतना जल्दी जा पाएगा वो। अगला है जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा का जन्म मुर्गू गांव रांची में एक उराव परिवार में होता है। ये जुएल लकड़ा, जितना लकड़ा आ जाए सब उराव परिवार से, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, जितना लकड़ा आ जाएगा सर ना, सब उराव परिवार से रिलेटेड रहेगा, लकड़ा लकड़ा लकड़ा, ठीक है। अगला, अच्छा ये कौन गांव से है जी? मुर्गू गांव, मुर्गू गांव कहाँ है? रांची में, जुएल लकड़ा मुर्गू गांव, जुएल लकड़ा मुर्गू गांव, ठीक है। आगे बोला है कि जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी, फिर से समझो, जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी, ये याद रखना, 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। क्वेश्चन आएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने किया था? जुएल लकड़ा ने। कब किया था? 1915 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया, ठीक, यंग छोटा नागपुर, क्या नाम देंगे इसको, यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया, हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया। कहते जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार अक्टूबर 1947 पाने वाले प्रथम आदिवासी है, याद रखना, ये जो जुएल लकड़ा है ना, झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार अक्टूबर 1947 पाने वाले प्रथम आदिवासी है। तो जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम, क्वेश्चन आएगा, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा ने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से 2 गोट टीम बनाया था, हॉकी का और फुटबॉल का। 1915 में इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया था, इसका जन्म मुर्गू गांव में हुआ था जो कि रांची में है।
और ये एक उराव परिवार से थे। 13 सितंबर 1994 ईस्वी को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो गया। कब हुआ? 13 सितंबर 1994 जन्म हुआ, कब हुआ था? मुर्गू गांव में हुआ था। जन्म का तो बात नहीं किया है, नहीं दिया। अब हम लोग इसका थ्योरी जानेंगे तब विनोद बिहारी में, ये ऑब्जेक्टिव जानते हैं तब विनोद बिहारी महत्व बढ़ेंगे। आजा जुएल लकड़ा गया, कहता जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? कितने बच्चों को बताया जी? रांची में। कौन गांव में? मुर्गू गांव में। जुएल लकड़ा ने निम्न से किस संस्था का गठन किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब किया था? 1915 ईस्वी में किया था। जुएल लकड़ा द्वारा किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था जी? 1915। फिर है, जुएल लकड़ा ने किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया? यंग छोटा नागपुर। यंग छोटा नागपुर। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन था? तो जुएल लकड़ा। आगे है, जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर दोगे? जब देश आजाद हुआ था उस समय ही पद्मश्री पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया, इसलिए प्रथम आदिवासी नेता कहलाया जो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला है। जुएल लकड़ा की मृत्यु कब हुआ जी? 13 सितंबर 1994। देख लो यहाँ, जुएल लकड़ा की 13 सितंबर 1994 को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो गई। ठीक है, 13 सितंबर 1994 को। ठीक, यही तो है हमारा जुएल लकड़ा से रिलेटेड बातें। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर आप विनोद बिहारी महतो के बारे में भी बताइए दो आज। कहता है विनोद बिहारी महतो को आदिवासी के झारखंड आंदोलन के झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को पहले क्या होता था कि एक टीमें आदिवासी लोग झगड़ा करता था कि झारखंड को दो, झारखंड हमारा अपना करो, अलग करो, चाहे आदिवासी का आंदोलन बना दे, आदिवासियों के झारखंड आंदोलन ये था। लेकिन विनोद बिहारी महतो बोला कि नहीं, आदिवासी ये सही नहीं लगता है, झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करो इसको। बोल दिया झारखंडी जितना इधर है सब, अब झार जंगल में जितना रहता है सबको झारखंडी बोलो। ठीक है, कहता है इन्होंने सन 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना किया। क्वेश्चन आएगा शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया? विनोद बिहारी महतो ने 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीति, सामाजिक कुरीति जो भी होता था, सामाजिक कुरीति क्या, जैसे छोटे में शादी कर देना, ठीक है, और दहेज मांगना, और बहुत सारा कुछ भी रहा होगा उस समय का कुरीति, उस सबको क्या किया, कुर्मी समाज की सारी कुरीति को दूर किया 1969 में विनोद बिहारी महतो ने, और शिवाजी समाज की स्थापना किया। फिर कहता है आपका कि 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने। ध्यान से समझना, 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे हैं। कौन रहे हैं? विनोद बिहारी महतो। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्वेश्चन आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा कब गठित हुआ जी? 1973 में। उसका सदस्य में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि 1973 में गठित हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कि निम्नलिखित में से किसे बाबू के नाम से पुकारा जाता था? तो विनोद बिहारी महतो। प्यार से तो क्या, नफरत? नफरत से कौन पुकारेगा किसी? ये क्या है जी, ये शिबू सोरेन आ गया है? विनोद बिहारी है ये नहीं है? देखो भाई, विनोद बिहारी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर नहीं हम चेक कर लेते हैं तो तुम लोग ये नहीं बोलना कभी भी हमको कि विनोद बिहारी महतो का क्यों नहीं पढ़ाई। ठीक है,
नहीं है तो नहीं है, पढ़ तो लिए ना हम लोग, बाबू के नाम से जानते थे ये वो लंपन जो था उसका। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, विनोद बिहारी महतो के बाद क्या है देखो तो, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेमरा रामगढ़ नामक स्थान में हुआ था। यही नेमरा है रामगढ़, नेमरा रामगढ़ में और नमक स्थान पे हुआ था 1942 ईस्वी में। शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ? 1942 में। कहाँ पे हुआ? नेमरा में, रामगढ़ में। शिबू सोरेन हेमंत सोरेन का पप्पा ना। अगला कद है, शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल महतो है, ठीक है, देख रहे हो, महतो जी लाल महतो, शिवचरण लाल महतो अब बन गया अभी शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, ठीक है। असुतल है शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन, ठीक, कुछ कर ये न पा रहा है। शिबू चरण लाल महतो है, शिव शिवचरण लाल महतो, शिवचरण लाल महतो, ठीक है, शिवचरण लाल महतो है, क्लियर है। आगे बोला गया है कि इनके पिता का नाम सोबरन मांझी तथा माता का नाम सोनमानी है। क्वेश्चन आएगा, शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या था? सोबरन मांझी, और माता का नाम सोनामानी, ठीक है, सोबरन सोनामानी, 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 ठीक है। सोबरन मांझी कौन है? पापा। सोनामानी मम्मी, ठीक। आगे बोला गया है कि सर झार इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन आएगा, इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद, इन्होंने देखो दूसरा आदमी यही है झारखंड का आंदोलन में भूमिका निभाने वाला, जयपाल सिंह का मृत्यु कब हुआ था और कब कब हुआ, कब हुआ था? 1970 में हुआ था ना, और वो जब 70 में मर गए 13 दिसंबर, 20 मार्च, और वो जब मृत्यु हो गया 20 मार्च को 1970 में ग्रैंड हेमरेज से, दिल्ली में इलाज चल रहा था उसका, उसके बाद जो है जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य का आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कौन किया था? तो शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में स्वनोत शुद्ध संथाल समाज का गठन किया, देख रहे हो, वो मरा अरे दौड़ इधर से, स्वनोत शुद्ध सं, स्वनोत का मतलब होता है शुद्ध, स्वनोत का मतलब शुद्ध, यानी कि सुनोत संथाल समाज, किसने सुनोत समाज संथाल समाज किसने लाया? 1970 में। आ सो से ही है सोबरन मांझी, सो से है सोन सोनामणि, और सो से है शिवचरण लाल महतो, और सो से ही है शिबू सोरेन, और सो से ही है सनोत संथाल संगठन, ठीक। अगला, 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन भी शामिल रहे हैं, ठीक है। 1973 में झारखंड गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन भी शामिल रहे थे, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन बना? शिबू सोरेन। कहता है कि 1978 ईस्वी में, देखना सही है ना, यही ना आएगा इसके बाद, आज थोड़ा इधर उधर हो गया है मेरा सब। कहता है कि 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, जंगल काटो अभियान चलाया गया 1978 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में? शिबू सोरेन के नेतृत्व में, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। केंद्र सरकार बोला ना ये अभियान नहीं चलेगा, ठीक है, उसने हस्तक्षेप करके रोकवा दिया, जंगल काटो अभियान 1978, ठीक। 1986 में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया, कब किया? 1986। जंगल काटो अभियान कब हुआ? 1978 में। और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब किया गया? 1986 में। किसके साथ मिलकर? निर्मल महतो के साथ मिलकर, ठीक। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार, 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, तथा 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटो नोमस काउंसिल का गठन किया गया, झारखंड एरिया ऑटोमोनस काउंसिल का गठन किया गया, ताकि झारखंड को क्या कर सके? अलग कर सके। चला लो,
शिबू सोरेन तीन बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन जो है तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक, शिबू सोरेन को दिसोम गुरु तथा गुरु जी के नाम से जानता है। दिसोम गुरु कौन है? शिबू सोरेन। गुरु जी कौन है? बाबू। कौन है बाबू? विनोद बिहारी महतो। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे कल। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव पहले कर लो। शिबू सोरेन कहाँ है? दिसोम गुरु। ये चलो, दिसोम गुरु, दिसोम गुरु। देखो, शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? नेमरा रामगढ़ में हुआ था भाई, नेमरा रामगढ़ में। शिबू सोरेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? कितने लोगों को पता है शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? जी, शिवचरण लाल महतो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। फिर कहता है कि शिबू सोरेन का मूल नाम हो गया क्या था? शिवचरण लाल महतो। अरे अरे अरे, अगला है, शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या था? कौन? सोबरन मान जी। ठीक है, शिबू सोरेन की माता का नाम सोना मणि। ठीक है, शिबू सोरेन की माता का नाम था सोना मणि। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या था जी? ये क्वेश्चन का हम लोग को वहां पे नहीं मिला। ठीक है, लेकिन सर उसका जो शिबू सोरेन की माता का नाम हो गया, शिबू सोरेन की पत्नी का तो रूपी सोरेन, यही होगा ना? शिबू सोरेन की पत्नी का नाम क्या है? रूपी सोरेन। ये सब नहीं पूछेगा, शिबू सोरेन का पत्नी पूछेगा, बड़का हाईलाइटेड, ये सब थोड़ा माता पिता भी नहीं पूछेगा। शिबू सोरेन क्या थे? दिसोम गुरुजी ये सब पूछ देगा, लेकिन झारखंड के द्वितीय आंदोलनकारी का नाम क्या है जिन्होंने झारखंड पृथक में योगदान दिया? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने उनसे किस संस्था का गठन किया था? ये आएगा, ये ठीक है। सुनोत मना क्या होता है? शुद्ध सुनोत संथाल समाज। फिर है, शिबू सोरेन ने किस वर्ष सुनोत संथाल समाज की स्थापना किया था? 1970 सत्तर सनोत। बोलो, ऐसे करके याद रखोगे याद हो जाएगा। शिबू सोरेन से किस पार्टी के संस्थापक रहे हैं जी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड आदिवासी मोर्चा, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, अगला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव, ठीक है, कौन थे जी? महासचिव, प्रथम महासचिव, 10 नंबर का आंसर करो जल्दी से। शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव शिबू सोरेन। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में निम्न से कौन सा अभियान चलाया गया था? जंगल काटो अभियान। बचाओ नहीं था, बचाओ बचाओ बनाओ नहीं था, जंगल काटो अभियान। ठीक है, अब ये पढ़ा हुआ था तो आप तुरंत रिलेट कर दिया, अच्छा काटो वाला था, बचाओ नहीं, सब वही लिखा है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना, कुछ मार के आ जाएगा, कुछ भी। ठीक है, गारंटी नहीं है कि वो काटो ही अति करेगा। निम्न से किस नेता के साथ मिलकर, ठीक है, शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था? अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, निर्मल महतो, कार्तिक उराव। ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, हाँ, ये निर्मल महतो के साथ मिलकर। ठीक है, निम्न से किस, देख लेते हैं कहाँ पे था ये। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, 1986 से निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया 1986 में, निर्मल महतो। वही तो है, आजसू पार्टी का गठन किया था। आजसू पार्टी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू। ए से ऑल, जे से झारखंड, ऐसे स्टूडेंट, आयु से यूनियन आजसू, निर्मल महतो के साथ। कब? 1986 में ना, 1986 में, ये याद रखना। अगला, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष कौन है? यही है शिबू सोरेन। ठीक है,
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 3 बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा प्रश्न, ठीक है। निम्न से किस उपनाम से शिबू सोरेन को जाता है, ठीक है? दिशोम गुरु और गुरुजी, दोनों उपरोक्त दोनों। जल्दीबाजी में दिशोम गुरु दिख जाएगा, मार के आ जाओगे और बाद में लगेगा अरे गुरुजी भी था, उपरोक्त दोनों भी ऑप्शन था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे कार्तिक उराव, और कल से जो हेडिंग रहेगा झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। लेकिन हाँ, जो शुरू से पढ़ रहा है, एक ओर से पढ़ रहा है चीज़ों को समझते हुए, उसका इस चैप्टर से यानी कि झारखंड विविध से नहीं छूटेगा प्रश्न। आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट करो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।